एक गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ। ये वाला रूम मैंने कर लिया था और अभी फिलहाल हो गया है मेरा पैकिंग डन। चंडीगढ़ को इस टाइम तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन बहुत जल्द चंडीगढ़ के लिए सिर्फ टाइम लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत कुछ है कवर करने को। लेकिन इस बार मेरा आने का पर्पस कुछ और था। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से दिल्ली और वही कालका शताब्दी से ही जा रहा हूँ। और आप में से भी काफी लोग बोले हो कि मोहित भाई सेम ट्रेन में ट्रेवल करके वीडियो बना के क्या मतलब बनता है। आया भी था शताब्दी से ही, लेकिन मैं आया था एग्जीक्यूटिव क्लास में और अभी मैं जाऊंगा चेयर कार से। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक कंपैरिजन बना दिया जाए, लाइक एग्जीक्यूटिव क्लास वर्सेस चेयर कार, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं कालका शताब्दी के एग्जीक्यूटिव क्लास में जर्नी किया हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। और अभी दिल्ली तक के लिए जो मेरा टिकट बुक है वो चेयर कार में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि चेयर कार में क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है और सीट वगैरह का क्या कम्फर्ट है, लेग स्पेस कैसा है, सब कुछ मैं बताऊंगा वीडियो में, बने रहो। अभी फिलहाल यहाँ से स्टेशन जाते हैं। हाँ जी, तो देख लो यहाँ पे सारा पैकिंग वगैरह हो गया डन। अब जल्दी से यहाँ से निकलना है स्टेशन के लिए। बस स्टेशन पास में ही है, यहाँ से 200-300 मीटर दूर होगा। लेकिन अभी सीन ये है कि बाहर हो रहा है बारिश, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और पैकिंग हो गया पूरा, चलो तब निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ स्टेशन और पूरा भीग चुका हूँ मैं, अभी बैंड बज चुका है भाई। फाइनली चंडीगढ़ स्टेशन आ गए हम लोग, पूरे तरीके से भीग गए थे। देख लो अभी जैसा तैसा करके हेयर को सुखाया है, सर भीगना नहीं चाहिए था लेकिन भीग गया। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही हमारा ट्रेन आने वाला है। यहाँ पे नंबर तो दिख रहा है 12006, देखो कब तक आता है। हाँ जी, तो हमारा शताब्दी आ चुका है। वैसे इसका चंडीगढ़ में टाइमिंग था 6:45 का, अभी 6:47 हो रहा है। हमारा कोच नंबर है C5 और हमें सीट काफी कमाल का मिला है, अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अपने सीट पे भी हम लोग बैठ चुके हैं और सीट देख लो हमें कौन सा मिला, एकदम पीछे वाला। ये चेयर कार में भी एग्जीक्यूटिव क्लास वाला फील आ रहा है। चंडीगढ़ से इसका निकलने का टाइम था 6:53 और ये यहाँ से निकला है 6:54 में। वैसे एक बात है, सीट पे तो हम लोग बैठ गए हैं लेकिन काफी मतलब कोजी टाइप लग रहा है ना। फर्स्ट डिफरेंस वहीं पे आया, देख लो चिपक के बैठे हैं एकदम पूरा। और लेग स्पेस इसका ठीक है, वैसे ही है लेग स्पेस, वैसे ही है नहीं, उसका बहुत ज्यादा रहता है यार, ना उसका थोड़ा और ज्यादा रहता है। लेग स्पेस वगैरह भी दिखा दो, बहुत ज्यादा लेग स्पेस वगैरह भी देख लो। दूसरा कोई पैसेंजर रहता तो मुझे चिपक कर बैठना पड़ता, तीन वाला होता तो क्या होता। नहीं यार, वो दो वाला सही है। इसका सीटिंग पोस्चर देख लो, 3x2 है। ऑल राइट, देख लो अभी यहाँ पे पापा इधर पावर बैंक चार्ज लगाया है लेकिन उनको रखने का कोई जगह नहीं मिल रहा है, छोटा भी हो रहा है यार। तो वायर सबका उतना लंबा तो देता नहीं है ना, किसी किसी का देता है लंबा, लेकिन सबका तो नहीं होता है। देखना यार, गिरेगा तो सर वगैरह फूट ना जाए। चलो ठीक, पक्का। तो जैसे ये चार्जिंग पॉइंट है ना, इसके कुछ नहीं, बस एक मोबाइल होल्डर, वो वॉशरूम वगैरह में जो रहता था ना मोबाइल होल्डर, यहाँ पे एक दे देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी सबसे पहले चाय आ रहा है हमारा, पानी नहीं है, पानी नहीं है। ऑलराइट, तो अभी टाइम देख लो 7:17 हुआ है और ट्रेन तो चले जा रहा है, लेकिन अभी आया है हमारा चाय, मतलब चाय कॉफी का ऑप्शन था, हम लोगों ने कॉफी लिया है। अभी तक ना अखबार आया ना पानी। एग्जीक्यूटिव क्लास में सबसे पहले वो अखबार देते हैं, पानी का बोतल भी दे देते हैं और उसके बाद चाय देते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोगों को कॉफी दिया गया है, पानी के लिए 2 बार बोले, वो बोले ठीक है दे रहे। यहाँ पे दूध मांगने से दूध देगा, जितना बार ये सामग्री मांगोगे उतना बार देगा। हम लोगों ने अभी दूध मांगा कॉफी और चाय बनाने के लिए, ये देकर के बोले सर आधा आधा शेयर कर लीजिए। सबसे साफ डिफरेंस आपको यहीं पे दिख जाएगा, चेयर कार में और एग्जीक्यूटिव क्लास, और प्राइस भी ऑलमोस्ट आधा है। 1114 रुपया एग्जीक्यूटिव क्लास का प्राइस है और चेयर कार का 600 रुपए के आसपास। चाय सामग्री तो आप लोगों ने देखा होगा, ये कॉफी किट में देख लो क्या क्या है। अच्छा जी, तो ये जो कॉफी किट है इसके अंदर ये सब रहता है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे पहुंच चुके हैं अंबाला कैंट। ये एग्जीक्यूटिव क्लास में भी ऐसे ही कॉफी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ चेयर कार में ऐसा है, सेम है। अंबाला कैंट में इसका टाइम है 7:33 का, लग तो रहा है एकदम राइट टाइम जाएगा स्टेशन में। जी देख लो हमारा पहला स्टेशन आने वाला है और अभी आया है हमारा पानी का बोतल। एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा पहले पानी का बोतल ऊपर कब लेके जाते हैं। ये हो रहा है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, बिस्किट और कॉफी। और देख लो अभी हमें अखबार भी मिल चुका है। वैसे पीछे बैठने से एक चीज का डिसएडवांटेज ये है कि बार बार ये जो गेट खुल रहा है काफी हवा आ रहा है। अभी हमारा जो ट्रेन है अंबाला कैंट स्टेशन में रुका हुआ है, ये स्टेशन में बिफोर टाइम आया है। अभी टाइम हो रहा है 8:15 और ये आ चुका है कुरुक्षेत्र जंक्शन।
और यहाँ ट्रेन 7 मिनट लेट आई है। ट्रेन तो फर्स्ट क्लास चले जा रहा है अपना। ये जर्नी एकदम पता ही नहीं चल रहा है यार, कितना जल्दी अभी पानीपत आ जाएगा, पानीपत के बाद ही दिल्ली, बहुत जल्दी ये जर्नी लग रहा है खत्म हो जाएगा। और वैसे एक चीज देखो, वो जो चाय हम लोग को मिला था, सॉरी कॉफी जो मिला था, उसका कप अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना कोई लेने आया है ना कुछ। भैया ये जो चेयर कार का जर्नी है ना, अभी तक तो मेरे को समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चाय या कॉफी के बाद कॉर्नफ्लेक्स देते हैं। कॉर्नफ्लेक्स खैर समझ सकते हैं कि टिकट का प्राइस एग्जीक्यूटिव का ज्यादा है इसलिए उसमें देते हैं, इसमें नहीं देते हैं। लेकिन साफ सफाई तो सब में एक जैसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो साइड कर लेना चाहिए ना। और बहुत लेट लेट भी सर्विस हो रहा है हर कुछ। भाई साहब देख लो, अभी 9 बज चुका है, पानीपत भी आ गया है, इसके बाद दिल्ली है। अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं आया, कप भी अभी तक नहीं हुआ, और ये जो कप है अभी तक नहीं हटा, कोई आ ही नहीं रहा है भाई, देख लो। तो पानीपत ये 11 मिनट लेट पहुंचा है ट्रेन। वैसे अगर मैं इस कालका शताब्दी के चेयर कार के टिकट प्राइस की बात करूं तो 620 रुपए करके पर पर्सन, तो दोनों के लिए 1200 समथिंग कुछ लगा है हमारा। ट्रेन हमारा पानीपत से निकल चुका है और यहाँ आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ये वही नॉन वेज ब्रेकफास्ट है एंड वेज। वीडियो देखकर आपको ही पता चल गया होगा, नॉन वेज मतलब ऑमलेट रहता है, वेज मतलब कटलेट रहता है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो वही जैसा कि मैंने कहा, कटलेट रहेगा या ऑमलेट रहेगा, गिना चुना फ्रेंच फ्राइज, इसमें भी सेम केचप जैम और ये एक मैंगो जूस। पहले ये देख लो कि एग्जीक्यूटिव क्लास में कैसा ब्रेकफास्ट मिलता है। बट उससे पहले मैं ये बता दूं, ब्रेकफास्ट से पहले वहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स दिया जाता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट दिया जाता है, साथ में चाय भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे चाय के लिए हमें बोलना पड़ा, वो खुद से पूछे नहीं कि चाय लगे या नहीं, लेकिन उसमें ब्रेकफास्ट के साथ ही रहता है चाय। यहाँ पे हम लोगों ने बोला तब हमें चाय मिला। तो पहले आप लोग एक काम करो, एग्जीक्यूटिव क्लास का ब्रेकफास्ट देख लो, तब तक मैं अपना सैंडविच बना लेता हूँ। हाँ जी वही, कौन सा? मोई सैंडविच, वर्ल्ड फेमस मोई सैंडविच। वर्ल्ड फेमस मोई सैंडविच, अपना सैंडविच बना लेते हैं, तब तक आप लोग वो देख लो। और ये आ चुका है वापस से हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वेज और नॉन वेज का ऑप्शन था, नॉन वेज में वही हमेशा की तरह ऑमलेट, और वेज में कटलेट एंड पराठे का ऑप्शन था, तो मैंने पराठा लिया है। ये पराठा साथ में दही, बनाना भी है ले लो वैदा, दो उठाना बस। ये तो पराठा ही है, इसको क्या ही दिखाऊं। अच्छा ये ऑमलेट, ऊपर में गिना चुना फ्रेंच फ्राइज, आलू पराठा है, देखकर काफी अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे चाय के लिए कप भी देकर चले गए हैं। हाँ जी, तो हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। चाय के लिए वो पानी देकर गए थे, हम लोगों ने बोला भैया थोड़ा सा मेहरबानी कर दो, हम लोगों को थोड़ा सा मिल्क दे दो, तो वो देकर चले गए। तो मोहित, स्पेशल सैंडविच बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको ही पता है। सबसे पहले ब्रेड में बटर लगा लेना है, फिर केचप डाल देना है, उसके बाद अगर आपका कोई बगल वाला पैसेंजर है तो ठीक है, अगर जान पहचान वाला है तो उधार मांग लेना है थोड़ा सा ऑमलेट। अगर आपने भेज लिया है तब तो पापा इधर से मैं थोड़ा सा उधार मांग लेता हूँ ऑमलेट, क्योंकि देखो ऑमलेट के बिना ना अधूरा है ये। उसके बाद एक कटलेट ऐसे रख देना है, कटलेट को आप ऐसे तोड़ के भी देख सकते हो। एक फ्रेंच फ्राइज रख दो, थोड़ा ये वेजेस भी डाल देते हैं इसमें। तो देख लो जी, वर्ल्ड फेमस मोहित सैंडविच बनकर हो गया है रेडी, चेयर कार में भी कमाल का बना है ये सैंडविच, मजा आ रहा है खाकर। ये सब काम करता है ना? हाँ कर रहा है। और ये इनका वॉशरूम है, ठीक है वॉशरूम साफ सुथरा है लेकिन थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे वॉशरूम, पता नहीं क्यों। टैप में पानी है, लिक्विड है, हाँ जी लिक्विड भी है, बाकी इधर एक बड़ा सा मिरर, ठीक है वॉशरूम क्लीन है। जी तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ इनके वॉशरूम में, और वॉशरूम में बोलूंगा क्लीन है, टैप में पानी आ रहा है। ये क्या लिक्विड ऑटोमेटिक है क्या? नहीं, इसको प्रेस करना होगा। हाँ जी, ये लिक्विड नहीं है, पानी है पूरा। यहाँ पे सेवर्स पॉइंट और इधर एक बड़ा सा मिरर, तो इस वाले वॉशरूम का लॉक टूटा हुआ है जो मैं अभी देख रहा हूँ। भाई अच्छा हुआ कोई आया नहीं अंदर, नहीं वैसे भी नहीं आ पाएगा कोई, नहीं यार आराम से आ जाता कोई भी। बस कुछ ही देर में हम लोग अभी दिल्ली पहुंच जाएंगे, अभी 9:44 हो रहा है, हमको तो लग रहा है कहीं टाइम से पहले ना पहुंच जाए। और मौसम देखो बाहर का, लग रहा है खतरनाक वाला बारिश होने वाला है, मेरे को लग रहा है बारिश हो रहा है शायद। नहीं नहीं बारिश हो रहा है ना। वीडियो में देखकर पता चला हुआ कि चेयर कार में एग्जीक्यूटिव क्लास में कितना फर्क है। भाई मैं तो बोलूंगा पैसा में तो बहुत ज्यादा फर्क है, चेयर कार का प्राइस एकदम हाफ है, सर्विस भी मैं बोलूंगा एकदम हाफ है। ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा चेयर कार में और एग्जीक्यूटिव क्लास में? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सीटिंग एक कंजेस्टेड टाइप, सेकंड हो गया तुम्हारा खाना, पैसा जितना है उससे थोड़ा सा बेटर सर्विस हो सकता है। लाल अभी दिल्ली आने वाला है, उतरते हैं दिल्ली। आज हमारा प्लान है दिल्ली में स्टे करने का, देखो अगर शाम तक टिकट मिल जाएगा तो आज ही निकल जाएंगे कोलकाता के लिए।
जी। तो चंडीगढ़ से दिल्ली उतरकर हम लोगों ने दिल्ली के एग्जीक्यूटिव लाउंज में थोड़ी देर वेट किया, मतलब रेस्ट किया। अभी हम लोगों ने दिल्ली से एक और ट्रेन ले लिया है, वो कहाँ के ले लिया है आप लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेना। वैसे अगर मैं बात करूँ कालका शताब्दी के चेयर कार का, भाई साहब सर्विस तो मुझे एकदम नॉर्मल लगा, एकदम बेसिक जो होता है, लेकिन मेरे हिसाब से शताब्दी एक हो गया प्रीमियम ट्रेन। सर्विस और ट्रीट सबको एक जैसा ही करना चाहिए। हाँ, खाना पीना दोनों का सेम नहीं होगा, चलेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है, इसमें थोड़ा कम रहेगा, वो भी चलेगा। वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा चंडीगढ़ टू दिल्ली शताब्दी का कैसा सर्विस है कैसा नहीं। अगर आपने इस रूट में ट्रेवल किया है चेयर कार, आप अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में हम लोग के साथ। एग्जीक्यूटिव क्लास का सीट अलग ही कम्फर्ट है उसका, और काफी मतलब अच्छा डिस्टेंस भी है, मतलब इतना डिस्टेंस में हम बैठे रहते हैं। सीसी में ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ऐसे चिपके हुए हैं, ये वाला पार्ट हम दोनों ऐसे चिपका ही हुआ था। सोचो अगर तीन साइड वाले में मिल जाता तो क्या होता। खैर, अब मैं ये वाले वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।